हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने स्टेट लेजिस्लेचर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले विधानसभा के बारे में और फिर पढ़ा था विधान परिषद के बारे में, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नर के बारे में और इस वीडियो को हम टोटल दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट वन ऑफ गवर्नर और फिर एक सेकेंड पार्ट में हम गवर्नर को कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The Vedic Academy. तो पिछले कुछ क्लासेस में हम स्टेट पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर और फिर पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसके साथ साथ जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो जुडिशरी में हम फिर अलग से पढ़ेंगे, जो सेंट्रल स्टेट होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो एक अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट पॉलिटी की बात की जाए तो हम स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर हमने स्टार्ट किया था, हमने लेजिस्लेटिव असेंबली को पढ़ लिया है, हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़ लिया, यानी विधानसभा विधान परिषद को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर को। तो देखिए, गवर्नर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी हैं। जिस प्रकार प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा होते थे, एक इंटीग्रल पार्ट होते थे, उसी तरह गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का भी एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि गवर्नर जो है वो कॉमन है, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के पार्ट है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होते हैं गवर्नर। तो हम इनके दोनों रोल को इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नर को। तो गवर्नर को हम किन पार्ट्स में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नर के बारे में, फिर देखेंगे इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है, और इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का होता है, ठीक है। फिर रोल ऑफ गवर्नर देखेंगे कि आखिरकार इनका इंटीग्रल या फिर इंपॉर्टेंट रोल क्या है हमारे इंडियन पॉलिटी में। फिर देखेंगे कि क्वालिफिकेशन टू बिकम अ गवर्नर, कैसे गवर्नर बन सकते हैं, गवर्नर किन के सामने ओथ लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट टू है उसमें हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ गवर्नर। ये खुद एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम पार्ट टू में कवर करेंगे। आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गवर्नर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गवर्नर कौन है? सबसे पहले ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव के बारे में अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा, यानी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है स्टेट के बारे में, ठीक है। तो स्टेट से रिलेटेड जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उन सब के हेड, एक तरह से नॉमिनल हेड कौन होंगे? हमारे गवर्नर, ठीक है। तो जो काम एक तरह से हमारे प्रेसिडेंट का होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, वही काम एक तरह से गवर्नर का होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट भी एक तरह से नॉमिनल हेड होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के, यानी प्राइम मिनिस्टर और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो हेड होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो एक नॉमिनल हेड होते हैं। क्यों नॉमिनल हेड होते हैं? क्योंकि असली काम जो डिसीजन मेकिंग का होता है वो कौन करता है? वो चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, इन दिस केस। और इन सेंटर में कौन करते थे? प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते थे। उसी तरह स्टेट में चीफ मिनिस्टर करते हैं, लेकिन गवर्नर वो एक सिर्फ नॉमिनल हेड है। क्यों नॉमिनल हेड है? क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं वो इनके नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन हिज नेम, इनका नाम यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये नॉमिनल हेड है। तो आप याद रखिए कि जिस तरह प्रेसिडेंट का रोल होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल लेजिस्लेचर में, उसी तरह गवर्नर का रोल होता है हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा है, ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मतलब वो अपने पूरे एक तरह से डिस्क्रिशन पे काम नहीं करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर्स और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है। उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होता है, लेकिन मेनली वो मैक्सिमम टाइम वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है और उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, ठीक है। तो देखिए, प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं किया जाता था, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे, आपको याद होगा। और यही मेजर एक डिफरेंस है गवर्नर और प्रेसिडेंट में। देखिए, प्रेसिडेंट एक तरह से हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ही मिलके इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करके इलेक्ट करते थे, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। ये गवर्नर इलेक्ट होके नहीं आते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब इससे एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होता है गवर्नर के पावर और इनके रोल में। अब वो क्या होगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए कि इनको अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। तो यानी जितने भी हमारे 28-29 स्टेट हैं उनमें जो भी गवर्नर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। उनको अपॉइंटमेंट का पावर पूरी तरह से प्रेसिडेंट के पास है।
अभी प्रेसिडेंट के पास कुछ और भी पावर्स हैं, वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी इन्हें अपॉइंट करेंगे तो कितने टर्म के लिए करेंगे, वो टर्म होता है 5 साल का। तो अगर क्या प्रेसिडेंट ने एक पर्टिकुलर आदमी, सपोज ए है, इनको किसी एक स्टेट सी में सपोज गवर्नर बना दिया, तो क्या 5 साल तक इन्हें कोई नहीं हटा सकता क्या? तो ऐसा नहीं है, 5 साल ये फिक्स टर्म नहीं है। एक बहुत ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी चाहे इस 5 साल के पहले, 1 साल 2 साल कभी भी, तो ए को इस स्टेट के गवर्नर के पोस्ट से हटा सकते हैं, ठीक है, गवर्नर के ऑफिस से हटा सकते हैं। वो जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं तभी तक गवर्नर होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को, ठीक है। एक नॉर्मल टर्म इनका 5 साल होता है, लेकिन अगर बीच में इनका काम से प्रेसिडेंट खुश नहीं है तो इन्हें उसी समय हटाया जा सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि ये इन्हें किसी भी डिफरेंट स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स में जो डिफरेंट गवर्नर्स हैं, ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने का भी पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम फ्रॉम द ऑफिस और ट्रांसफ़र हिम टू एनी अदर स्टेट वेन एवर ही फील्स नेसेसरी। तो इसलिए कहा जाता है कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के काम कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें जब ट्रांसफ़र या फिर उन्हें हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, उनको हटा भी प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से प्रेसिडेंट का गवर्नर के ऊपर काफ़ी बड़ा अथॉरिटी होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि सपोज गवर्नर को हटाए नहीं, लेकिन गवर्नर का कुछ अकस्मात कारण से मौत हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं और यहाँ पे एक पोस्ट वेकेट हो जाती है, तो उस टाइम में तत्काल कौन एक्ट करेगा गवर्नर का? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट करेंगे, ठीक है। तो याद करिए, हमारे प्रेसिडेंट के भी डेथ होती थी तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करते थे प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। पहले वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते थे और वाइस प्रेसिडेंट के भी डेथ होने पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करते थे। तो यहाँ पर वाइस गवर्नर जैसा कोई पोस्ट ही नहीं है, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट होता था वो यहाँ पे हट गया। तो यहाँ पे गवर्नर के डेथ होने पर, रिजाइन करने पर, सीधे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास पावर चल जाता है, जब तक कि कोई नया गवर्नर अपॉइंट ना करे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अभी हमने देखा कि क्या, कि प्रेसिडेंट के पास काफ़ी अथॉरिटी है गवर्नर के ऊपर, तो इसके कारण जो रोल ऑफ द गवर्नर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मैंने अभी बताया आपको। तो कैसे पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो देखिए, गवर्नर का सबसे बड़ा रोल होता है कि ही एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था आपको और इसके पहले मैंने काफ़ी एविडेंस भी दिया है कि जो हमारा इंडिया है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इट्स नॉट अ फेडरेशन, फेडरेशन नहीं है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन में अंतर क्या है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनियन के पास ज़्यादा पावर होती है, और इसका मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि यूनियन यूनियन लिस्ट में एक्ट कर सकती है, रेसिड्यूरी पावर में एक्ट कर सकती है, कंकरेंट लिस्ट में एक्ट कर सकती है, और राज्यसभा यहाँ तक कि स्टेट लिस्ट पे भी एक्ट कर सकती है। जबकि स्टेट के पास क्या पावर होता है, सिर्फ स्टेट लिस्ट में एक्ट करे या फिर सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट में एक्ट करे, और उसमें भी अगर कॉन्करेंट में कोई विवाद होता है तो यूनियन की बात मानी जाती है। तो हमने देखा था कि यूनियन के पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावर है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे एक और पावर यूनियन को मिल जा रही है, क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो कौन इलेक्ट कर रहा है, वो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे हैं जो कि यूनियन के ही पार्ट से हैं, ठीक है। तो यूनियन के पास एक और पावर आ गया है। गवर्नर अगर देखिए, स्टेट से भी हम इलेक्ट करके, चाहे तो MLAs ये सब वोट करके भी गवर्नर को चुन सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ, गवर्नर को अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ने। इसीलिए क्यों ऐसा हुआ, ताकि वो एक एक्ट कर सके लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब स्टेट में कुछ भी होगा वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नर प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। और स्टेट में कुछ भी अगर गड़बड़ होता है, ठीक है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को गवर्नर देते हैं, क्योंकि गवर्नर एक्ट करते हैं एक तरह से प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में। तो यानी स्टेट की हर हलचल को प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर उनको फील हुआ कि गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नर के पास काफ़ी पावर होता है कि वो डिसॉल्व भी कर दें यहाँ की असेंबली को, या फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी ले आए, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि मैंने बोला कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है या फिर इनका रिमूवल प्रोसेस है, ये एक बहुत ही बड़ा रोल चेंज करता है उनके जो रोल है उनमें, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं,
और उनको इन्फॉर्मेशन, उनका काम है इन्फॉर्मेशन देना प्रेसिडेंट को। चलिए अब इसके अलावा उनका क्या रोल है ये देख लेते हैं। देखिए, ही सेंड्स रिपोर्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। तो हमने देखा कि वो एक तरह से प्रेसिडेंट की रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट में, तो वो स्टेट में जो भी अफेयर्स होता है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं। देखिए अब इवन दो वो नॉमिनल हेड है, ठीक है, स्टेट के, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होता है, ठीक है, कुछ पावर्स होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर जिससे कंट्रोल कर सकते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को। तो क्या क्या पावर होता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो हमने पहले ही पढ़ा था कि सपोज MLAs लोग ने कोई भी लॉ लाया, ठीक है, ये पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था कि MPs लोग जब लॉ लाते थे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होता था। तो ठीक उसी तरह यहाँ गवर्नर के पास पॉकेट वीटो है। मतलब क्या कि कोई अगर इन्होंने लॉ लाया, ठीक है, बिल लाया, बिल पास कराया MLA में लोगों ने, तो वो गवर्नर के पास फाइनल असेंट के लिए आता है। अब गवर्नर चाहे तो उसे रोक कर रख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए जब तक वो ऑफिस में है, और उस पर साइन नहीं कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। सस्पेंशन वीटो क्या होता था कि वो बिल को रिटर्न कर दें वापस MLA लोग के पास, रिकंसिडर कर लिए कि आप इसमें कुछ चेंजेस लाइए, ये सारे पॉइंट्स हैं इनको चेंज करिए तो मैं इसे पास करूँगा, ठीक है, तो वो होता था सस्पेंशन वीटो। अब देखिए एक और पावर इनके पास कि ये अपने बिल जो है इसे सेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज रिकमेंडेशन, ठीक है, तो हो सकता है कि वो वापस यहाँ ना भेज के प्रेसिडेंट के पास भेज दें, ठीक है, और प्रेसिडेंट फिर अपनी सलाह देंगे कि इसे पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बेसिस पे पास होगा या फिर नहीं होगा बिल। प्रेसिडेंट के पास अगेन ये पावर है कि वो उस बिल को कितने भी दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत पास करके, कुछ टाइम लिमिट है उनको कि 2 महीना में देना ही है, वो चाहे तो इसे इनफाइनाइट टाइम तक रख सकते हैं। तो देख रहे हैं अगेन यहाँ पे स्टेट का पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाय द यूनियन, ठीक है, तो कोई भी लॉयर बना के आएंगे तो गवर्नर क्या करेंगे, उन्हें रोक के रख सकते हैं, गवर्नर नहीं तो उसे प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट अगेन उसे रोक के रख सकते हैं, या फिर गवर्नर उसे रिटर्न भी कर सकते हैं कि आप उसमें कुछ चेंजेस करके लाइए। इसके अलावा कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी रहता है। अब डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है गवर्नर के पास वो हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। इससे क्या होता है कि गवर्नर चाहे तो सीधे अपोज कर सकता है कुछ भी MLA के एक्शन को, ठीक है, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ बोलता है कोई पॉलिसी और वो गवर्नर को पसंद नहीं आता है, तो उस पॉलिसी के खिलाफ वो सीधे बोलेंगे कि मेरा हम डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करेंगे, और डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके उस पॉलिसी को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इन सब पावर के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से जब हम पावर्स ऑफ द गवर्नर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब देखते हैं क्वालिफिकेशन टू बिकम गवर्नर। तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट की तरह, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल पूरा होना चाहिए बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा, और जैसे प्रेसिडेंट किसी भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं हो सकते, वैसे ही गवर्नर भी ऐसा नहीं हो सकते। तो एकदम बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट जैसा ही इनका जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल प्रेसिडेंट वाला ही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे वो ओथ किन के पास लेंगे। तो ओथ जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने लेते हैं। देखिए भले ही अपॉइंट इन्हें प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ओथ जो ये सबसे अपने क्लोजेस्ट मिल जाएंगे उनके पास लेंगे। क्लोजेस्ट कौन मिलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने ओथ लेते थे, उसी तरह हमारे गवर्नर जो हैं वो किनके सामने ओथ लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने, ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट की तरह। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर्स ऑफ द गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गया होगा और एक रोल ऑफ गवर्नर को समझ में आया होगा, क्योंकि रोल बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पे कंपेयर टू द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट बिल्कुल ही नॉमिनल हेड थे, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर को उतना अपोज नहीं कर सकते, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड अपोजिशन है उनका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर के पास काफ़ी पावर है स्टेट के ऊपर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के एक तरह से एजेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में, तो वो स्टेट के ऊपर काफ़ी पावर एक्सरसाइज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे जो डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इन्हें लाइन वाइज देखें तो आपको जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। आप बीच में से देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, एकदम ऑर्डर में आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।